आपसी विवाद में पति द्वारा लाठी डंडे से पीट पीट कर पत्नी की हत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका कैमूर जिले के रामगढ़ थाना के बंदीपुर गांव के रमेश गुप्ता की पत्नी अनिता देवी बताई जाती है। बताया जाता है कि पति अक्सर देर रात घर आता था, जिसका पत्नी विरोध करती थी। अक्सर दोनों में विवाद हुआ करता था। मंगलवार की रात भी वही हुआ। पति देर रात घर आए तो पत्नी बोलने लगी, फिर दोनों में बकझक के साथ विवाद हुआ तो पति ने गुस्से में लाठी डंडे से पिट पिट कर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची रामगढ़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भभुआ सदर अस्पताल भेज दिया। वही पति को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वही मृतका के मायके वाले ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाते हुए पति सास ससुर पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मामला बता दीजिए। मतलब आपस में गाली गलौज करता था, वो गाली देती थी बहुत ज्यादा, बहुत मतलब कि हमारा जो बहू है ना, बहुत लड़का को गाली देती थी। 5 मिनट भी देरी होने से दुकान में ना, कि मतलब कि देरी होने से सीधा क्या बोल रही थी। आज का ही बात सुने, क्या हुआ? मतलब कि देरी हो जाता, 5 मिनट होता है ना, तो गाली देती थी बहुत खराब से। आज को तो मालूम ही नहीं हमको कुछ। आखिर कैसे मौत होगी आपके बहू को? हमको मालूम नहीं है ना जी। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या है? रामाकांत साहब। आपके क्या लगती हैं जो मृतक हैं? बहू लगती है। अच्छा, क्या नाम था उनका? हम लोग को सूचना मिली कि यहाँ पे कोई घटना घटी है। हम लोग वहाँ पहुँचे तो पता चला कि पति पत्नी के बीच आपसी मारपीट में पत्नी की मृत्यु हो गई। सर कौन सा थाना का मामला है? ये रामगढ़ थाना। सर कोई इस मामले में कोई आरोपी भी गिरफ्तार हुए? अभी हम लोग ये अनुसंधान कर रहे हैं और वहाँ पे मौजूद उसके पति को ले आया गया था। जिस कारण से घटना का अंजाम दिया गया, सर क्या बरामद भी कुछ हुआ है घटना? नहीं, ये तो मारपीट की घटना है। पीट पीट कर जैसा प्रथम दृष्टिया लग रहा है कि पीट पीट कर हत्या की गई।